हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पापिया, पापिया का किचन में आप सबको स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, आज मैं बना रही हूँ सरसों रुई। ये एक बंगाली रेसिपी है। आशा करती हूँ आप सभी को मतलब अच्छा लगेगा ये रेसिपी। और ये जो रेसिपी है इसके साथ मतलब चावल बहुत अच्छा ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा है, बाप रे बाप। जब से नया साल शुरू हुआ है मतलब धूप ही नहीं आया इस महीने, 4 से 5 दिन ही आया होगा। पर सो फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है। यहाँ पे मैंने रू मछली लिया है, कम से कम आधा किलो है इसमें। मछली को मैंने नमक और हल्दी डाल के ऐसे मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कुछ ही मसाला है, मतलब बहुत ही सिंपल है। 2-4 चीज़ों से एक टेस्टी रेसिपी आपका आराम से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया था। 2 प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। देखिए काला सरसों है, काला सरसों भी मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पे। ये पोस्तो दाना है जो खसखस बोलते हैं। 2 टमाटर है और हरी मिर्च है। हरी मिर्च मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें, जैसे तीखापन आ जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से ले लेना मिर्च। तो गाइस देखिए, मैंने पहले यहाँ पे 2 टमाटर को मतलब बॉईल कर लिया है, बॉईल करने के लिए रख दिया है। फिर मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगा। दूसरा साइड में भी मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैंने कम से कम 4 चम्मच मैंने सरसों का ऑयल लिया है। तो इसमें हम मछली को सारे मछली अच्छे से फ्राई कर लिए। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस देखिए, तेल गरम हो गया है। अभी हम एक एक करके सारे मछली इसमें फ्राई कर लूँगे। फ्राई हो गया है, अभी हम सारे मछली को तलेंगे। देखिए मछली फ्राई हो गया है, अभी हम सारे मछली एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हो मैंने किस तरह फ्राई किया है, ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं किया है। इसी तरह हम सारे मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली हमने फ्राई कर लिया है सारे। अभी हम जो तेल बच गया उसी तेल में हम देंगे पहले ये है 5 फोड़न। मैंने 5 फोड़न कम से कम 1 चम्मच दे दिया है। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ये जो प्याज काट के रखा था सारे प्याज को डाल देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करूँगी, ब्राउन कलर का, जैसे मतलब कच्चा भी नहीं आ रहा है ऐसे फ्राई करना है। रेसिपी आप लोग एक बार बना के खाओगे ना तो मसाला वाला भूल जाओगे, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये जो रेसिपी है बंगाली रेसिपी है, तो आप लोग घर पर एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग जैसे क्वार्टर में रहते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को मतलब बना के खिलाया था, तो सभी को पसंद आया था ये रेसिपी। तो वो पूछते हैं कि बंगाल का तो मतलब फेमस है ये, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ज़्यादा मतलब मुश्किल भी नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते हो। देखा ही है क्या क्या लिया है मैंने, कुछ ही सामान था, मतलब इतना सामान तो हर एक के पास होता ही है। मेरा रेसिपी देख के आप लोग आसानी से खाना बना सकते हो। और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम प्याज को। एक टिप्स है गाइस, अगर मतलब प्याज देख रहे हो कि ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं फ्राई होता है, कभी कभी ऐसे प्याज भी आता है बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या करना है, जैसे प्याज के ऊपर आप हल्का सा नमक मतलब छिड़क दोगे ना तो जल्दी फ्राई हो जाएगा, मतलब प्याज में कच्चापन नहीं रहेगा। देखिए प्याज बिल्कुल मतलब फ्राई हो गया है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस तरह करना है। अभी हम इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट बनाया था हमने, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। आप लोग चाहे तो छोटे छोटे पीसेस से भी डाल सकते हो टमाटर कच्चा। और मैंने यहाँ पे पेस्ट इसीलिए कर लिया है, पेस्ट करने से क्या होगा, इस सब्जी का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज कर देगा, फिर बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। जो टमाटर का पेस्ट बनाए रखा था अभी थोड़ा सा इसको धो के भी मैंने डाल दिया है। अभी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर दे देंगे, कम से कम 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा दिया है। अच्छे से भून लेना है सारे मसालों को। हाँ, इसमें मतलब जीरा पाउडर ना मतलब धनिया पाउडर कुछ भी नहीं चाहिए। और ये छोड़ने लगा है देखिए साइड से, फिर हम और थोड़ा सा इनको भून लेंगे। चला देखिए पूरा फ्राई हो गया है।
देखिए टमाटर का हमने बॉईल कर लिया था, तो ज़्यादा इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इसे सरसों और खसखस का पेस्ट बनाया था हरी मिर्च डाल के, इसको भी हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। इस मसाले में मैंने आधा गिलास मतलब आधा कप मैंने पानी ऐड किया था। ये जो मिक्सी का डब्बा है मैंने इसी में मतलब मसाला को धो के फिर इसके अंदर में पानी डाल दूंगी। आप लोग जो मतलब सरसों का पेस्ट है बिल्कुल भी तेल में फ्राई मतलब ऐसे सूखा मत फ्राई कर लेना, फिर इसमें क्या होगा मतलब कड़वापन आ जाएगा, सरसों का जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल मतलब खराब कर देगा आपका। अभी हम इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। पानी भी आप उतना ही यूज करना आपने जितना आपके पास मछली है उस हिसाब से पानी ऐड कर। अभी मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी, नमक भी टेस्ट के अनुसार ही डालना है आप लोग। देखिए पूरा उबाल आ गया है एकदम मसाला में। अभी हमने जो मछली फ्राई करके रखा था इसके अंदर सारे मछली एक एक करके डाल देंगे। आप लोग भी घर पर बनाओ ट्राई करो, बहुत ही अच्छा ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये सब्जी। आप लोग बना के मेरे को कमेंट करके बताना मेरा रेसिपी कैसा लगता है आप लोगों को। देखिए गाइस कलर कितना अच्छा आ रखा है, बहुत सुंदर कलर आ रहा है। चावल के साथ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग घर पर जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को। सो गाइस देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने जो सरसों का पेस्ट डाला था उसके बाद मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको मतलब हल्का सा बॉईल कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर से ये हरी मिर्च मैंने काट के मतलब रखा था चीर के इसके ऊपर दे दिया है। कुछ धनिया पत्ता है इसको भी हम इसके ऊपर से डाल दूंगे। आप लोग मेरे वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही है। बिल्कुल रेडी हो गया है गाइस हमारा रेसिपी। अभी हम सर्व करके दिखाते हैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जो सोर्स से रुई बनाया था बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका जो ग्रेवी है बिल्कुल ऐसे रखना है, थिकनेस मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा मतलब गाढ़ा भी नहीं करना है। देखिए इस तरह रखना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है और टाइम भी नहीं लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही है मैंने कितना मसाला यूज़ किया है इसमें, आप लोग भी अपने घर पर ज़रूर बनाओ इसको। अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। मैंने देखिए राइस मतलब सिंपल राइस लिया है जो सादा भात होता है। मैंने आज पालक बनाया था, पालक का साग लिया है और ये मछली है। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग ज़रूर बनाओ इस रेसिपी को। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है फिर तो एक लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर देना। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।